आज मैं अपने पापा से मिलने गई थी क्योंकि वो 4 दिन से घर नहीं आए। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं क्योंकि हम कभी इस तरह से अकेले नहीं रहे उनके बिना। तो आज मैं उनसे मिलने गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप पापा कैसे रह रहे हो, क्या आप ठीक हो या नहीं हो। तो वो कह रहे थे, मैंने कहा आप क्या कुछ खा रहे हो, क्या कुछ पी रहे हो, खा भी रहे हो कि नहीं। वो कह रहे थे मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि उनको जो रोटी मिल रही थी वो रोटी काफ़ी गंदी थी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी आप सबको पता लगा कि उनकी जान को खतरा है अंदर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं फेरियुप्पल आज आप सभी के साथ हूँ और आज जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि आज मैं अपने पापा से मिलने गई थी क्योंकि वो 4 दिन से घर नहीं आए। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं क्योंकि हम कभी इस तरह से अकेले नहीं रहे उनके बिना। तो आज मैं उनसे मिलने गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप पापा कैसे रह रहे हो, क्या आप ठीक हो या नहीं हो। तो वो कह रहे थे, मैंने कहा आप क्या कुछ खा रहे हो, क्या कुछ पी रहे हो, खा भी रहे हो कि नहीं। वो कह रहे थे मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि उनको जो रोटी मिल रही थी वो रोटी काफ़ी गंदी थी। मतलब कुछ ऐसे ही बता रहे थे, वो सब्जी मतलब पानी में ऐसे दे रहे थे, वो पानी भी गंदा ही होता है वहाँ पे। तो वो ये चीज़ बता रहे थे मुझे। और फिर मैंने पूछा कि आप कैसे रह रहे हो, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ये चीज़ लेके। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि कल 2 लोग आए थे वहाँ पे जहाँ पे पापा रहते हैं, वहाँ कल 2 लोग घुस आए पता नहीं कैसे, लेकिन फिर जल्द ही पुलिस ऑफिसर्स आए और उनको फिर उन्होंने अपने तरीके से भेजा और वहाँ पे उनकी जान को खतरा है, उनके लिए वो भी सेफ नहीं है। अगर वो बाहर रहते हैं तो बाहर से उनको अंदर भेज दिया जाता है, अंदर रहते हैं तो वहाँ उनके लिए सेफ़ नहीं है, बताइए कहाँ जाएं। ये भी कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी आप सबको पता लगा कि उनकी जान को खतरा है अंदर, तो अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उनके साथ। अब वो जहाँ पे भी जाते हैं तो उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनके साथ उस टाइम पे भी एक पुलिस ऑफिसर थे, तो उनको अभी सिक्योरिटी मिली हुई है। और मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पापा के सपोर्ट में रहें। जो लोग आए हैं, मेरे पापा ने मुझे ये भी बोला कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं उनको मेरी तरफ से भी थैंक्स कहना। और जो लोग घर बैठे वीडियो देख रहे हैं, आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट हैं, लेकिन वहाँ आके धरना दें और मेरे पापा के सपोर्ट में रहें।